नमस्कार दोस्तों, कैसे हो। मैं संतोष कुमार फिर से एक बार आपके साथ जुड़ा हूं और संतोष साथ यूट्यूब चैनल में आपका बहुत बहुत हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज का वीडियो आपके लिए बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो है, बहुत ही शानदार वीडियो है। वीडियो को पूरा देखिए, अंतिम तक देखिए, पूरा वॉच कीजिए वीडियो को। तो दोस्तों, चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना, बेल आइकन को भी प्रेस कर लेना, क्योंकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन है जो आपको मिल जाए। तो ज्यादा टाइम न लेते हुए चलते हैं वीडियो की ओर। तो दोस्तों, आज की वीडियो से आपको बहुत ही मोटिवेट मिलेगा, बहुत आपको विश्वास बन जाएगा। तो आज के वीडियो को पूरा देखिए। देखिए, एक बार एक सन्यासी था जो एक जंगल में रहता था। सन्यासी था जिसने सन्यास लिया था, जो अपना मंत्र सिद्ध करना चाहता था। वो हमेशा गाय का दूध पीता था और भगवान का तप करता, जोत करता, हवन करता, भगवान का तप करता, उसी में लगा रहता था। सन्यास लिया हुआ था उसका। तो एक जंगल में, एक समुद्र से दूसरे तरफ जंगल में रहा करता था, और एक उस समुद्र के दूसरी तरफ था एक भगत का घर, जहां वो उस घर की एक बेटिया थी, वो दूध देने के लिए जाया करती थी। तो एक दिन उसका पिताजी था बाजार गया हुआ था उस बेटिया के, और वो दूध देने के लिए गई थी। उसी समय मौसम बहुत खराब था, ऊपर मौसम खराब था। तो उसकी माँ ने कहा कि बेटिया, आज बाबा जी को कह देना कि कल मौसम खराब हो सकता है, घनघोर बारिश हो सकती है, इसलिए समुद्र से मैं पार नहीं कर पाऊंगी समुद्र, क्योंकि पानी का बहाव है जो ज्यादा हो जाएगा, इसलिए कल मैं दूध नहीं पहुंचा पाऊंगी। तो फिर क्या हुआ, फिर बाबा जी के पास गई बेटिया ने, प्रणाम किया और दूध था वो बाबा जी के पास रखा, और कहा कि आज माँ ने आदेश दिया है कि कल मैं दूध नहीं पहुंचा पाऊंगी, घनघोर बारिश हो सकती है, मौसम है खराब। तो बाबा जी कहे, नहीं नहीं नहीं, अब मेरा ये सब ये तपस्या है जो भंग हो जाएगी, इसलिए आप दूध तो पहुंचाना होगा। मैं आपको एक मंत्र देता हूं, उस मंत्र को आप जपते हुए नदी समुद्र पार कर सकते हो, आप अंदर नहीं जाओगे, पानी के ऊपर चल सकते हो। तो वो चौंक गई कि ऐसे कैसे हो सकता है। लेकिन बेटिया ने कहा ठीक है, वो बात गई, बेटिया दूध रख के वापिस गई और माँ को बताई सारी घटना कि बाबा जी ने ये कहा है कि एक मैं आपको मंत्र दिया है मैंने मेरे को, और कहा कि आपको इस मंत्र से आप समुद्र में पानी के ऊपर ऊपर चल सकती हो। तो माँ ने कहा ऐसे कैसे हो सकता है। फिर कहा कोई नहीं, बाबा ने कहा तो सही कहा होगा। फिर ऐसे दूसरे दिन बहुत घनघोर बारिश हुई और मौसम था वो बहुत खराब था, इसलिए माँ ने कहा बेटा आज दूध देने के लिए मत जा। लेकिन उसने कहा कि नहीं नहीं माँ, मैं आज दूध देने के लिए तो जाऊंगी, मुझे विश्वास है, मंत्र दिया है बाबा ने। क्या ठीक है। तो फिर वो लड़की गई दूध देने के लिए, गई समुद्र को पार करते समय उसने उस मंत्र को याद किया, जपते हुए उस मंत्र को समुद्र को पार किया और समुद्र का पार भी कर लिया, पानी के ऊपर चलते चलते उस मंत्र का जप करते करते। अब गई उस बाबा के पास, बाबा भी चौंक गया, अरे ये क्या हुआ, मेरा मंत्र सिद्ध हो गया है, पानी के ऊपर ऊपर चल चुकी है, मेरे मंत्र के हिसाब से कोई लड़की पानी पे चल सकती है, तो मेरा मंत्र भी सिद्ध हो गया। बाबा बहुत खुश हुआ, बाबा ने धन्यवाद किया, आपने चमत्कार को प्रणाम किया कि ये तो बहुत अच्छा हुआ, और दूध लिया और धन्यवाद किया कि ठीक है बेटा। वो बेटिया अपने घर चली गई, बाबा खुशियां मना रहा था, नाच रहा था कि आज तो क्या हुआ, बहुत ही अच्छा हुआ, आज तो मेरा मंत्र सिद्ध हो गया है, कई सालों से मैं तपस्या कर रहा था, उसका फल मुझे मिल गया है। बाबा बहुत खुशियां मना रहा था। लेकिन क्या हुआ, बाबा ने कहा कि अब मैं खुद चल के देखूं पानी के ऊपर इस मंत्र से। बाबा को विश्वास नहीं था। तो बाबा जैसे ही समुद्र के पास गए और समुद्र में पानी में जैसे ही पैर रखा, तो बाबा अंदर डूब गया और बाबा का देहांत हो गया। तो दोस्तों, आप बताइए, क्या बाबा के अंदर क्यों चला गया पानी के, और जो लड़की थी वो पानी के अंदर क्यों नहीं गई, ऊपर से क्यों निकल चुकी थी? क्योंकि जो लड़की थी उसको उस मंत्र पर विश्वास था, और बाबा था उसको अपने ही मंत्र पर विश्वास नहीं था। इसलिए कहते हैं दोस्तों, आप अपनी जिंदगी के मायने विश्वास बना के रखिए। जो गरीब लोग हैं अमीर बन जाते हैं, उनको कहीं जिंदगी में विश्वास है कि हम कुछ कर सकते हैं। तो आप ही जिंदगी में, आपके जीवन में विश्वास रखिए। आपको भगवान ने सब कुछ दिए हैं, जो अमीर लोगों को दिए वही आपको दिए हैं। अमीर वो जन्म लेते ही अमीर नहीं थे, वो जन्म लेने के बाद अमीर बने हैं। तो आप ही जीवन में विश्वास रखिए, दृढ़ विश्वास रखिए, और एक संकल्प लीजिए, अपने मंजिल है उस पर फोकस रखिए, और आपको सफलता अवश्य मिलेगी। एक विश्वास बना के रखिए। देख तो दोस्तों, एक विश्वास से एक लड़की पानी, एक मंत्र से पानी पे चल गई, और एक बाबा विश्वास नहीं था, उसी का मंत्र सिद्ध किया, लेकिन वो पानी के अंदर डूब गया। तो दोस्तों, इसी कहानी से बहुत हमें शिक्षा मिलती है कि जिंदगी के में विश्वास ही सबसे बड़ा है। विश्वास करके रखिए, आपके जीवन में आप कामयाब जरूर होंगे। तो आज के वीडियो में
बहुत ही शानदार बात मैंने आपको बताई है। कैसा लगा वीडियो कमेंट में जरूर बताना दोस्तों, कमेंट किया करो यारो, कमेंट में बताया करो कुछ, मुझे भी आप एक लाइक करते हो कमेंट करते हो तो मुझे भी मोटिवेट मिलता है उससे, तो आप कमेंट किया करो और आगे से आगे शेयर भी कर दिया करो। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।